कोइंसिडेंट ऑफ इसको बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. कंसिस्टेंट सिस्टम इज कंसिस्टेंट डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल दूसरे से चेंज हो रहा है तो सेकंड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये तीनों रेशियो जो है दैट शुड बी इक्वल. डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट आपका सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ही होता है. पैरेलल लाइंस के केस में जहां पे आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है वहां डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई लेना देना नहीं. सेकंड जो हम लेके चलते हैं दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन. कंडीशन सी वन अपॉन सी टू बा, इसमें कोई लेना देना नहीं है. सी वन सी टू की जो वैल्यूज कॉन्स्टेंट की जो मर्जी वैल्यूज हो वो इस रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करती. अब क्या क्या होती है इसकी आगे क्या क्या रिजल्ट होंगे. लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट मीन अगर एक इक्वेशन में मैं किसी तरह का कोई चेंज कर रही हूँ तो वो दूसरी इक्वेशन के मतलब जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा. इन द सेंस या एक वेरिएबल में अगर आप चेंज कर रहे हो वो दूसरे वेरिएबल को नहीं चेंज कर रहा, बट कंडीशन ये आपकी हमेशा जो है वो नॉट इक्वल टू बी वन अमाउंट. यानी कि अगर आप उसको रेशियो वाइज चेंज करते हो देन आल्सो जो आपका रिजल्ट है वो रेशियो डिफरेंट हो जाएगा, बट स्टिल जो आपका सिस्टम है दैट विल बी कंसिस्टेंट, दैट विल बी हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन. उसमें जो a1 upon a2 है ये रेशियो विल नेवर बी इक्वल टू b1 upon a2. देन थर्ड कौन सा होता है. नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन में यहाँ पे C1 और C2 मैटर करता है. पैरेलल लाइंस में हमेशा जो आपके x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है और जो कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. आप जब प्लस वन में पढ़ोगे देन आल्सो यू विल स्टडी कि जब आप दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लोगे तो दैट विल बी ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and ax plus by plus k equal to 0. इसमें हमारे पास questions आते हैं कि हमने एक लाइन given है उसके parallel लाइन निकालनी होती है तो ये चीज जो है वो उसमें भी सेम रखोगी. ठीक है, क्योंकि a1 upon a2 और b1 upon b2 इनका जो रेशियो है वो सेम होगा तो ये जो है सेम रेशियो रखने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं इनको सेम जो वैल्यू होती है वो लेके चलते हैं. अदरवाइज द रेशियो इज सेम. और ये चीज इसमें मेन जो है वो आपको देखना है कि C1 और C2 का जो रेशियो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस. अगर वो इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा. इनफाइनाइट लाइन काफी देन. और क्या है इनकंसिस्टेंट है एंड लाइंस आर पैरेलल. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कुछ भी नहीं. Dependent, independent is just for unique solution and infinite solution. Solution exists कर रहे, तभी आप उसको कहोगे वो dependent है या independent. ठीक है, अब इसमें based questions हम कर रहे हैं. One more thing, अगर आपको equation इस तरीके से given है और दूसरी equation आपको इस तरीके से तो सबसे पहला काम आपने ये करना है C1 और C2 दोनों या लेफ्ट साइड पे रख लो या दोनों राइट साइड पे रख लो. अगर ये ऐसे ओपोजिट साइड पे है एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है तो आपका आंसर गलत आएगा. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंपेयर द रेशियोस फॉर C1 एंड C2 मेक श्योर कि C1 और C2 आपके दोनों इधर ऑन द लेफ्ट साइड है या दोनों के दोनों राइट साइड. क्लियर, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम के बेस में आपको करवा रही हूँ. वी आर हैविंग
one of the members of the society made some calculations and informed that if the length of the rectangular garden is increased by 2 and the breadth be reduced by 2. एक कह सकते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी है वो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो है बना रहे हैं, उसमें मतलब कुछ तरह के चेंजेस कर रहे हैं ताकि उनका जो ओवरऑल एरिया है वो क्या थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मेड सम कैलकुलेशंस, वो कुछ कैलकुलेशंस करके उसको बताता है दैट इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर and the reduced by 2 meters, breadth is reduced by 2 meters, area gets reduced by 12 square centimeters. Area जो है वो 12 square centimeter reduced होता है. And if the length is decreased by 1 meter and breadth increase, मुझे ना इधर से बातों की आवाज आ रही है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो डायमेंशंस हैं रेक्टेंगल की उनको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं. एल एंड पी, लेंथ को क्या एज्यूम कर लोगे, अब बताना मुझे क्या करना है. He suggests if the length of the rectangular garden is increased by 2 meter. So case 1 में जो length बन रही है that will be x plus 2. आगे unit MCQ है रहेगा. यहाँ area की भी बात हो रही है तो what will be its area? x into 1. अब new breadth जो है that is the breadth reduced by 2 meter. Reduced मतलब y minus 2. So what will be the new area? He says the area gets reduced by 12. Originally this was x by and now it has reduced by 12. अब length और breadth है तो यहाँ से x plus 2 into y minus 2 और area की value क्या आ गई, previous वाले area में से 12 square meter जो है वो reduce हो गया. सिंपलीफाई करके बताइए क्या आएगा. हाँ, x y दोनों पॉजिटिव है, इक्वल टू के ऑपोजिट साइन से हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दिया. अदरवाइज यू कैन ब्रिंग ऑल द टू से डिवाइड कर दिया मैंने, 12 माइनस 4 इज 8. मैंने क्या किया है सभी टर्म इधर लाके माइनस 2 से डिवाइड किया. माइनस 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. 4 को मैं उधर ले गई तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है, यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. सेकंड कंडीशन में ही इज सेइंग if however the length is decreased by 1 meter, breadth increased by 3 meter, area is increased by 21 meter square. क्या बनेगा? If the length is decreased by 1 meter, अब केस 2 में new length will be x minus 1. Okay, breadth increased by 3. Then the area, new area is increased by 21 meter square. Additionally, it was x y plus 21 plus x y 21 increase हो रहा है तो plus 21 तो यहाँ क्या बन गया, x minus 1 into y plus 3 is equal to x y plus 21. So this is x y plus 3x minus y minus 3 is equal to x y plus 21. ये आपका cancel out होके क्या बच गया यहाँ पे,
नाउ सिंपलीफाई दी. अब इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं केस स्टडी टाइप के लिए, फर्स्ट था हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर. डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर मींस यू हैव टू सॉल्व इट फॉर एक्स एंड वाई और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है. सिंपलीफाई करो जल्दी से इक्वेशन को. अब क्योंकि आपके पास एमसीक्यू की ऑप्शन है तो किसी एक मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करो, चाहे एलिमिनेशन की करो चाहे सब्स्टिट्यूशन है उसकी करो. So length is 10 and breadth is 6. Second है, if the graphs of the equations in the given situation are plotted on the same paper, then the lines will be parallel, lines will coincide, lines will intersect or you can't see. क्योंकि उनका सॉल्यूशन आ गया आपके पास यूनिक, तो लाइंस विल इंटरसेक्ट. थर्ड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट नियर द टू लाइंस व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस आर. इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस आर मींस अब आपको इसमें ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली. हमें इसमें क्या कहा है, वेयर इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस मींस पुट वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सी. जो भी इक्वेशन गिवन है, जब आपको पूछा जाए कि इस लाइन का ग्राफ जो है वो कहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करेगा, अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा पूछा है तो पुट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू जीरो, अगर वाई एक्सिस को कट करेगा पूछा है तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो. हाँ जी क्लियर. अब यहाँ पे बताइए कहाँ पे कट करेगा वो. फ्रॉम द ग्राफ विशर, फ्रॉम द ग्राफ लिखा है, हम यहाँ इक्वेशन से बताएंगे वेयर विल इट कट द, वेयर विल इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो पुट करोगे, वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्स इज इक्वल टू, और इस वाली लाइन के लिए एक्स इज इक्वल टू एट. तो ये वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फोर जीरो पे, और दूसरी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट. Now the next part. Panchi, दुबारा देखो. आपको उन्होंने क्या कहा कि from the graph you are to check where these two lines जो हमने form की है, where these two lines intersect the x-axis. अब अगर मैं इनको plot भी करूँ, तो let us suppose मैंने ये plot किया, मुझे ये point निकालना है, x-axis वाले point निकालने हैं, मुझे पता है x-axis पे any point is of the form x, zero. Y coordinate हमेशा zero. अब लाइन तो यही है, सॉल्यूशन सेट निकालना है एट वाई इक्वल टू जीरो. तो वाई मैंने जीरो पुट किया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर. तो इट मींस एक पॉइंट मेरा क्या बन गया, फोर कॉमा. सेकेंड वाली लाइन के लिए लेट अस सपोज कि मैंने ऐसे ले. अब अगेन दिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो. तो सेकेंड वाली इक्वेशन मेरी ये थी, मैंने यहाँ पे वाई को जीरो पुट किया, बोलने की 2x + ky = 3 has no solution. For what value of k these two equations have no solution? No solution के लिए क्या condition होती है? Not equal to c, one upon c. तो मैंने ये कर लिया, 1/2
is equal to 1 by k not equal to 4 by 3. It means ये दोनों equate करते तो ये आपका 4 by 3 के not equal क्या बनेगा वैसे क्या आएगा? k is equal to 2. हाँ तो k की value बता दीजिए तो that क्या answer होगी? 2. Is this clear? Now the next one. The equation of a line parallel to the line whose equation is given by 3x minus 2y equal to 8. आपको आप नीचे चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से जो इस लाइन के पैरेलल होगी दैट इक्वेशन यू आर टू फाइंड आउट. फर्स्ट ऑप्शन इज 3x plus 2y equal to 8. सेकंड 3x minus 2y equal to 8. थर्ड 6x plus 4y equal to 16. एंड द फोर्थ 15x minus 10y is equal to 45. Equation of line which is parallel to the above line. क्यों? अच्छा parallel है ये. This is 1/5. 3 or 15 का ratio 1/5. This is again 1/5. And this is not equal to c1/c. ठीक है? अगर previous वाला लेते हो 3x minus 2y equal to 8. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? Unique solution मिलेगा. अगर ये दोनों लेते हो तो same equation है. तो coincide करेंगी. Third वाला लेते हो तो 3/6 is 1/2. Then minus 2y. Again this will give you a unique solution. क्योंकि ये दोनों आपके जो हैं ये unequal. ठीक है तो लास्ट ऑप्शन बच गई उसको फिर भी आपने पॉइंट कर मार्क करने से पहले रीचेक जरूर कर. नाउ द नेक्स्ट वन फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड. चाहे एलिमिनेशन मेथड है इन केस यू आर गुड एट द सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन गो फॉर दैट क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू मार्क द ऑप्शन. क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. आपको एक टू डिजिट नंबर जब भी गिवन है तो क्या करोगे? डिजिट एक्स और वाई मान लोगे, एक वन स्पेस एक टेन स्पेस ओरिजिनल नंबर लिख लोगे. क्या मैंने क्या बोला अभी? हाँ तो सम ऑफ नंबर क्या बनेगा? हर्षित है ये शिवांश ओरिजिनल नंबर विल बी 10 से प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके और 1 से प्लेस वाला बीच में क्या करोगे? ऐड करोगे. तो दिस इज 10 y प्लस x. अब हमें गिवन क्या है ध्यान से सुनो. वी आर गिवन द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. हमने डिजिट क्या माने हैं तो क्या लेके चलेंगे? गॉट इट? तो सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9. इसके बाद वो कंडीशन दे रहे हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय कहाँ? एक ही बात है एडिशन इज कम्यूटेटिव. जैसे मर्जी लिखो. हाँ जी अब 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज द
twice the number obtained by reversing the order of the digits. So 9 times original number is 2 times twice means 2 times the reversed number. Reversed number मतलब y और x की positions क्या कर दोगे in the change. So reversed number is now put the values 9 times the original number is 2 times the reversed number. तो जब भी टू डिजिट वाले आएंगे ये चार तो आपके पॉइंट बनने ही बनते हैं, बाकी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आप जो इक्वेशन है वो फ्रेम करेंगे. दिस इज 90y प्लस 9x 20x क्या बनेगा आगे? और यू कैन से x इज इक्वल टू 8 टाइम 5. अब फाइंड आउट करो एक्स और वाई के. यू हैव गॉट द टू इक्वेशंस. दिस इज द बाद में ले लो. Check your calculations, boys. Y one आ जाएगा. Let's say it. नंबर इज 18. चले आगे. देन वी आर गिवन आ